तो एक बार जो रोज करते हैं वो कर लें। ऑलरेडी नहीं, कुछ लोग नए हैं तो जानते नहीं होंगे। एक बार सब लोग मेरे लिए एक बार हंस लो, स्माइल स्माइल ना, स्माइल। जब स्माइल करते हैं तो दांत दिखाना है, दांत ही ऐसे। तो ये अच्छा होता है, अपना हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपना हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में देखने वाले हैं। और मेरा नाम मनोज राजकुमार, मैं मार्केटिंग संभालता हूँ इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया। ओके तो आज हम क्या देखने वाले हैं, हम ऋषि ज्ञानोदर्मा के बारे में देखने वाले हैं। और उसके पहले हम ये बताना चाहता हूँ मैं आपको, ऋषि ज्ञानोदर्मा जो है वो एक्चुअली बेसिकली इट्स ए मशरूम, मशरूम एक मशरूम है और फैन के जैसे रहता है और ब्राउन कलर है। और मेजरली जहाँ ह्यूमन हैबिटेट्स रहता है वहां पे नहीं मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, हिल स्टेशन पे जहाँ पानी ज्यादा बहता है उस जगह पे मिलता है। वेरी रेयर काइंड ऑफ मशरूम है। और इसको अगर बोलते हैं किंग हर्ब, ऐसे बोलते हैं। ये ऋषि ज्ञानोदर्मा जो है इट्स अ वेरी फेमस हर्ब है। अगर इसको किंग ऑफ हर्ब्स भी बोला जाता है, मतलब हर्ब्स का राजा है ये। मतलब अगर ये खाली एक लेते हैं तो सब हर्ब्स का ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके तो इसके इसके जब इसके देखना है तो हमको पहले इसको समझना पड़ेगा क्या है इम्यूनिटी। क्या है इम्यूनिटी का मतलब है, बहुत सारे लोग इम्यूनिटी का ऐसे सोचते हैं कि इम्यूनिटी का मतलब है अगर हमें कुछ रोग आता है तो क्या होता है, अपना बॉडी जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये अपना अंदर आके या अंदर से कुछ ग्रो होके, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन कुछ ना होने से हमें क्या करता है, ये स्टॉप करता है। इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसा होता है, अपने बॉडी में डिफेंस सिस्टम करके कुछ रहता है। अगर आप देखते हो तो बहुत सारे लोगों ने ब्लड टेस्ट किया होगा। जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें जो भी है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ऐसे कभी देखा है आपने? तो डब्ल्यूबीसी जो है उसको हम बोलते हैं पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी। ये हमें स्कूल में सिखाया गया था कि पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी मतलब अपने अंदर जो भी बैक्टीरिया फंगस वायरस अपने अंदर आएगा उसको मारने का काम कौन करेगा, ये डब्ल्यूबीसी करेगा। तो ये इम्यूनिटी से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब हम अब अगर आप अभी कुछ रूम में हो या कहीं बाहर हो तो यहाँ हर बार हम ये श्वास जो लेते हैं ब्रीदिंग, तो हर बार क्या होता है ऑटोमेटिकली अपना श्वास में बैक्टीरिया फंगस वायरस अपने अंदर जाता है। लेकिन अपना डिफेंस सिस्टम, अपना इम्यूनिटी जो है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको मार देगा। मारने के बाद क्या होगा, जो भी इन्फेक्शन है उसको अपने अंदर आने नहीं देगा। और ऊपर से अगर ऑलरेडी अंदर आ चुका है तो उसको मार देगा। ऐसे ही इम्यूनिटी काम करता है। ओके तो इम्यूनिटी में क्या क्या टाइप्स है, इम्यूनिटी में चार टाइप्स है। और चार टाइप्स ऐसा है, पहला है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब ऐसा है कि जब हम पैदा होते हैं तो अपने मास के पास से जो भी हमें मिलता है उसे इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैरिड होंगे, ये बोला जाता है कि अगर आपको बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के 20 मिनट के अंदर वो पहला जो दूध रहता है उसको बच्चों को देना है, ऐसे बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है, तो पहला माँ का दूध जो है उसमें कोलेस्ट्रम करके वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज रहता है। तो ये दूध एक्चुअली येलोइश कलर में रहता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा को इम्यूनिटी पावर मिलता है, जो रोग प्रतिरोग शक्ति बोलते हैं। तो ये रोग प्रतिरोग शक्ति से क्या होगा, ये बच्चा बड़ा होके जब तक वो मरेगा उस टाइम तक उसको वो इम्यूनिटी उसके शरीर में रहेगा। वो कब मिलता है, माँ के पहला दूध से वो मिलता है। तो ये है इनेट इम्यूनिटी। और सेकंड अगर हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब हम बाहर जाते हैं या कुछ कोल्ड होता है या कुछ इन्फेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली इसके वजह से हमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी करके कुछ चीजें हैं। एंटीजन मतलब जब हम बाहर जाते हैं तो इसके वजह से कुछ बैक्टीरिया फंगस वायरस अपने अंदर जाता है। तो इसके वजह से बॉडी क्या करता है, एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो अगले बार अगर वो चीज आता है तो ऑटोमेटिकली अटैक करेगा। जैसे कि अगर हमें मलेरिया, बहुत सारे लोगों को मलेरिया हो चुका होगा, टाइफाइड हुआ होगा या आपको जॉन्डिस हुआ होगा, तो पहले बार जब होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि दूसरे बार आपको ये नहीं होगा। जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सभी क्या होता है, पहले बार जब हमें ये होता है ऑटोमेटिकली अपना बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट हो जाए। इसका मतलब से क्या होगा, दूसरे बार अगर ये वायरस भी अपना अंदर आता है तो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी रेडी है उसको अटैक करने के लिए। इसको बोलते हैं हम एक्यूरेट एडेप्टिव इम्यूनिटी। तीसरा है पैरालिटिक
पैसिव इम्यूनिटी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसीलिए वो अपना स्क्रीन पे ऐसे कर रहा है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, शायद प्रॉब्लम है कुछ। ओके थैंक यू। तो पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया या आपको वायरल फीवर हो गया तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जैसे कि अमोक्सिलिन हो या पेंसिलिन, पेंसिलिन करके एक एंटीबायोटिक था लेकिन अभी आजकल हम यूज नहीं करते हैं, तो क्लावोनिक एसिड, पोटेशियम विद पोटेशियम, तो ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं हम एक्वायर करते हैं, मतलब हम लेते हैं, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। तो ये क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दिन के लिए दियो तो एंटीबायोटिक मोस्टली 7 डेज के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, अगर 7 डेज में अगर आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये 7 डेज के लिए खाली आपके अंदर रहेगा, उसके बाद में नहीं रह सकता है। और चौथा है अपना इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब है बहुत सारे बच्चों को आजकल हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी के लिए वैक्सीनेशन करते हैं, जैसे कि पोलियो के लिए, H1N1 के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, हर्पस सेजिस्टर, ऐसे कुछ है, तो बहुत सारे हैं आजकल, उससे भी बहुत बहुत पैसा बनाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हर बच्चे को 3 साल तक कुछ 10 या 15 ऐसे कुछ वैक्सीनेशन, पोलियो के लिए भी ड्रॉप डालना पड़ता है। ये सब क्या है, इम्यूनाइजेशन है। इम्यूनाइजेशन कहाँ से मिलता है, अपना जो ड्रग लेने से मिलता है, इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ये हुआ 4 टाइप्स। और अगर डायरेक्टली हम जाते हैं अपना जो ऋषि गैनोडर्मा है, आज हम किसके एंगल में, कौन सा एंगल में हम ऋषि गैनोडर्मा देखने वाले हैं। ऋषि गैनोडर्मा जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट, किसके लिए, कैंसर के लिए। कैंसर के बारे में हम एक दिन भी बात नहीं किया है। तो सर ये क्या अपना ऋषि गैनोडर्मा हम कैंसर के लिए रेकमेंड कर सकते हैं, जरूर हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अपना आयुष, AYUSH, आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथा का जो मिनिस्ट्री है वहां से अप्रूवल दिया गया है कि अपना जो ऋषि गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा लुसिडियम, अपना जो स्पीशीज है उस वो है गैनोडर्मा लुसिडियम, ये गैनोडर्मा लुसिडियम 100% हम कैंसर पेशेंट को रेकमेंड कर सकते हैं करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया है। ओके तो ये बात है। और ऊपर से और ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली अगर आप नॉर्मली हम एलोपैथिक में जो देखते हैं, अगर एलोपैथिक में देखते हैं तो क्या होता है सर, एलोपैथिक में क्या होता है, आप कीमोथेरेपी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, या बहुत सारे जो मैंने अभी यहाँ जो भी लिखा है सिस्प्लास्टिन या साइक्लोपॉस्परमाइड, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स देते हैं। ड्रग्स मतलब ड्रग्स कोकेन, ऐसे नहीं, ड्रग्स मतलब दवा। तो दवा देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका क्या होता है, किडनी में डैमेज होता है। पहला जो है उनका किडनी जाता है, अगर किडनी जाता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी में बहुत सारे उनको तकलीफ होगा, एक। और कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ऐसे कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बहुत सारे लोगों को, स्पेशली 80-95% ऑफ द पीपल को क्या होता है, मोस्टली नहीं, 90-95% ऑफ द पीपल क्या होते हैं, 6 months to 1 year के अंदर अंदर मर जाते हैं मोस्टली। खाली 5% का लोग वापस आते हैं कीमोथेरेपी के बाद, क्योंकि कीमोथेरेपी जो है वो आपके पूरा बॉडी को इतना फैटिग और स्ट्रेस और ये देगा कि आपका बाल चढ़ने लगेंगे। आप कभी कैंसर पेशेंट को देखे होंगे तो आपको ये सब पता होगा। ओके ये आउटलाइन था, अभी हम जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो कैंसर सेल्स को कैसे काम करता है, ये इम्यून सेल्स जो है अपना ऋषि गैनोडर्मा लेने से क्या होगा सर, अपना जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएगा, एक नॉर्मल हो हुआ। लेकिन इम्यून सेल्स क्या करता है, इम्यून सेल्स का काम है अपना बॉडी के अंदर टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी लिम्फोसाइट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये क्या करेंगे, टारगेट करेंगे कि कौन सा सेल कैंसर सेल है, उस सेल पे जाके अटैक करके वो कैंसर जो चीज है उसको सर्वनाश करेगा। कैंसर सेल कैसे होता है सर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मल सेल देखते हो ये क्या होता है, ये बड़ा होके ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल 21 डेज लगते हैं एक सेल ग्रो होने में। लेकिन कैंसर सेल्स जो है ये ऐसा होता है कि इसका जो रेशियो जो है, अगर आप देखोगे 21 डेज में 50-60 बिलियन सेल्स प्रोड्यूस हो, बहुत फास्ट से प्रोलिफरेट होता है, मतलब बहुत फास्ट है ये, बड़ा ज्यादा होता जाएगा। तो इसको बंद करना है तो क्या करना है, पहला जो अपना इम्यून सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम ठीक करने से क्या होगा, अभी सोचिए इतना बड़ा कैंसर का ट्यूमर है तो ये सेल अगर नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कैंसर ज्यादा नहीं हो रहा है पहले। और ऊपर से इम्यून सिस्टम क्या करेगा, अभी इसमें जो भी सेल्स है उसको अटैक करेगा, ये थोड़ा थोड़ा से छोटा होने लगेगा। तो इसके मतलब क्या होगा, आपका जो भी कैंसर है वो कम हो रहा है। और एक स्टेज में क्या हो सकता है, एक अगर कैंसर थर्ड स्टेज से आपको स्टेज 2, स्टेज 1 ऐसे थोड़ा थोड़ा से बैक हो सकता है। तो ये रहा अपना
ऋषि ज्ञानोधर्मा। और ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सर्वे मैंने किया है अगर आप देखते हैं तो आसपास 10 साल का स्टडी और आसपास 1000 स्टडी किए हैं ऋषि ज्ञानोधर्मा के ऊपर, क्या ये सच में काम करता है। हाँ, उससे हमने फाइंड आउट किया है हर्बल मेडिसिन जो ज्ञानोधर्मा लुसिडियम बोला जाता है, अगर वो हम जरूर लेते हैं तो क्या होता है, अपना लिम्फो प्रोलिफरेटिव मतलब लिम्फ नोड्स के बारे में हमने पढ़ा था एक बार, तो लिम्फ नोड्स अपना पूरा बॉडी में रहता है, ये क्या कर रहा है अपना इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो लिम्फ नोड्स में अगर मेटास्टेटिस मतलब अगर आपको पेट में कैंसर है तो यह क्या कर सकते हैं, आपके सर पे जा सकता है लिम्फ नोड्स के अंदर से, तो अगर आपका लिम्फ नोड ठीक तरह से काम से कर सकता है तो ये कैंसर सेल्स बाहर स्प्रेड नहीं हो सकता है। तो अगर ज्ञानोधर्मा लेने से ऑटोमेटिकली स्प्रेडिंग जो है कम हो सकता है करके ऑलरेडी स्टडी में बताया गया है ये कैसे होता है, ये ट्यूमर्स को भी कम करता है जो कैंसर ट्यूमर्स होते हैं अपने बॉडी में करके इन्होंने बताया है। और ऋषि ज्ञानोधर्मा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है स्टडी में बताया गया है कि कैंसर ट्रीटमेंट में 21% लोगों को ये रिजल्ट दिया है, 21% इसका मतलब है 100% ये लोगों को ठीक हुआ है, 100% कैंसर फुल क्लियर हो गया है। तो ऐसा भी हो सकता है अपना ज्ञानोधर्मा लुसिडियम से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसा काम करता है, ये ट्यूमर जो है वहां जाके ये ट्यूमर को ट्रीट करता है, अगर किसी को ट्यूमर है वो थोड़ा थोड़ा से कम होके छोटा हो जाएगा और जो भी आदमी इसे लेता है उसके बॉडी में क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसका इम्यूनिटी ज्यादा होते रहेगा, ऑटोमेटिकली इसके वजह से ऑटोमेटिकली अपना इम्यूनिटी बढ़ेगा। ओके, तो ये सभी बहुत सारे स्टडीज है। तो ये कैसे काम करता है, तो अपना जो टारगेट सेल्स है वहां जाके हिट होके ऑटोमेटिकली अपना इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ओके, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पहला जो है वेरी इंपॉर्टेंट, सही तरह से नींद करना है, 6 to 8 hours 100% हर रोज हमें नींद करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है होल प्लांट फूड्स मतलब जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें अच्छा से खाना है और हेल्थी फैट खाना है, जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं घी जो है वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए या बटर जो है वो अच्छा नहीं है, तो ये सब एक्चुअली बॉडी के लिए हेल्दी फैट है, बटर घी पनीर बटर ऐसे कुछ बोलते हैं वो सब एक्चुअली बॉडी के लिए हेल्दी फैट है, ये जरूर हम खा सकते हैं, हेल्दी फैट खाना है। और ऊपर से प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स का मतलब जो है दही, रोज अपना फूड में दही लेते हैं तो बहुत अच्छा है। शुगर कम लेना है, अगर किसी को कैंसर है तो जरूर उनको शुगर का जो है कम करना है, अगर शुगर आप ज्यादा रहते रहेंगे तो अपना कैंसर जो है वो ज्यादा बढ़ते जाएगा। और एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टे हाइड्रेटेड, आपके 20 केजी के लिए 1 liter पानी जरूर पीना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेस 100% नहीं लेना है, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का है। ओके, किसी कभी भी लाइफ में टेंशन लेना नहीं टेंशन देना है, ये अपना पॉलिसी है। और ये है बेनिफिट्स अपना ऋषि ज्ञानोधर्मा से लेने से क्या क्या होगा बॉडी में, अपना इम्यूनिटी बढ़ेगा, इम्यूनिटी का मतलब अपना रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, स्ट्रेस जो है कम होगा, अच्छा नींद आएगा, अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो वो कम होगा, और ये एंटीऑक्सीडेंट है इसमें ज्यादा से ज्यादा, एजिंग रिवर्स होगा, मेमोरी जो है वो इंप्रूव होगा, और ब्लड सर्कुलेशन जो है ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, अगर किसी को रिप्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो ये ले सकते हैं। और ऊपर से ये स्टैमिना इंक्रीज करता है, जैसे कि कुछ लोग 9 to 5 काम करने के बाद घर आने के बाद ऐसे थक जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना है, अब बाद में फैमिली के टाइम भी होता है तो फैमिली के साथ टाइम बिताना है, तो इसीलिए स्टैमिना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आप ऐसे तो इसके लिए ऋषि ज्ञानोधर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और ऊपर से अपना पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट, 6 category ऑफ प्रोडक्ट्स अपने पास है, अपना है कॉस्मेटिक्स जिसमें आपको आता है अपना पपाया फेस वॉश, पपाया पील, टर्मरिक फेस पैक किट ऐसा आता है, और होम किट जो है उसमें मल्टीपर्पज क्लीनर्स, डिशवॉशर क्लीनर ऐसा आता है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, और ऊपर से आपको तेल, साबुन सब है अपने पास, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ऊपर से। सो इसके अलावा अपने आपको डायबिटीज के लिए डायकेयर, किडनी के लिए नेफ्रोफिट, ऐसे ओवरऑल हेल्थ के लिए लिवर के लिए अपने पास वो स्ट्रॉन्ग लिव है, और बॉडी क्लेंसिंग के लिए फ्रूट फाइबर और डिटॉक्सिवन है, अगर आपको वेट मैनेजमेंट के लिए अपने पास वो हेल्थी स्लिम है, अगर आपके बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है तो कैल्शियम और ऑर्थोबेस्ट है, और ऐसे अगर आप देखते हो तो टोटली अपने पास 100+ प्रोडक्ट्स अपना हमें है। और ऊपर से अगर आप एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर फार्मर हो, और या आपके फैमिली में कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, अभी सही टाइम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके यूज करने के लिए, तो इसके लिए हमें संपर्क करें। और नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है,
जो अपना आज के हीरो वो सर आने वाले हैं। तो सर वेलकम यू सर, बहुत टाइम ले लिया हमने। एक थैंक यू तो नमस्ते, गुड इवनिंग। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है कुछ। नेट प्रॉब्लम है क्या? अब आवाज आ, हाँ सर बीच में आया, अभी अभी आया। नेट का नेट स्लो है थोड़ा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हाँ सर जी, खराब है। ओके, तो नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सुशील काजी है, वेस्ट बंगाल अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट से, एक छोटा सा शहर है बीरपड़ा, वहां से मैं बिलोंग्स करता हूँ। और सबसे पहले मैं कंपनी के मैनेजमेंट और हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे आज आप सबों के बीच अपनी बातों को रखने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुनना सर, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ओके सर, तो मैं आप सबों को अपना छोटा सा एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। यही कहना चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो है, जो हम लोग कर रहे हैं ऑडियंस में मल्टी लेवल मार्केटिंग, यहाँ मेरा आज तक का लगभग 7 साल कंप्लीट हो चुका है। और मेरा लाइफ का जो जर्नी कैसे था, मैं क्या सोचता था पहले और मैंने क्या क्या किया, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरा सर डिस्कनेक्ट हो गया है। सर डिस्कनेक्ट हो गए, मतलब उनका ऑडियो नहीं दिखा रहा है, माइक्रोफोन नहीं दिखा रहा है, सिर्फ वीडियो दिखा रहा है। अब पार्टिसिपेंट में थोड़ा देखिए तो। हाँ देख रहा हूँ। हाँ सबको सुनना ही नहीं दे रहा है क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है। आप प्लीज वेट कर रहा है 2 मिनट। सोमनाथ सर को कॉल करो।
हाँ सर, ओके सर, आपको खुद को अनम्यूट करो सर। हो गया? नहीं हुआ सर। अच्छा, आप अनम्यूट करो सुशील सर को। अनम्यूट में कर रहा हूँ। सुशील सर, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा सर। सर ठीक है, मैं अपना डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। डिस्कनेक्ट